नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे अवर इंडियन टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि एलपी टेक्नीशियन की आंसर की रिलीज हो चुकी है CBT 2 की, और इसके अकॉर्डिंग हम आज कट ऑफ बताने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे अपना स्कोर शेयर किया हुआ है, तो हम आपको उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ बताने वाले हैं। यह कट ऑफ केवल अनुमानित है, अभी इसका फाइनल कट ऑफ तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं एलपी के लिए जनरल कैटेगरी में 50 से 55 के बीच आप सेफ हैं, ओबीसी के लिए 48 से 52, एससी एसटी जो है 41 से 45, और एक सर्विसमैन जो है उनका 40 ऊपर ही रहेगा एलपी के लिए। और टेक्नीशियन के लिए हम मान सकते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी 47 से 52, ओबीसी के लिए 43 से 48, एससी एसटी जो है 40 से ऊपर ही रहेगा उनका। और पीसीएम वालों के लिए इस बार बहुत ज़्यादा आ जाएगी उनका, क्योंकि उनकी वैकेंसीज बहुत कम थी। तो जनरल के लिए 60 से 70, इसमें आप जो जनरल वाले हैं, ओबीसी हैं, इन दोनों में आपको थोड़ी सी 5 नंबर्स जो है इंक्रीज़ करके भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 65 से 70 75 के आसपास, फिर भी यहाँ पे 60 से 70 हम लोग मान के चलते हैं। ओबीसी 55 से 65 के बीच, एससी एसटी 50 एवा भी रहेगा। और इसका प्रूफ हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना स्कोर शेयर किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं पार्ट ए में 74 और बी में 55 यूआर कैटेगरी के लिए कोलकाता आरआरबी फिटर में रॉबी कुमार कलवार करके हैं कोई स्टूडेंट जो यहाँ पे शेयर किए हुए अपने स्कोर। और ये देख सकते हैं अविनाश गौतम 38, पार्ट ए में 38 आया हुआ है, पार्ट बी में 32। और मतलब एलपी और टेक्नीशियंस में जो है कट ऑफ बहुत कम जाने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट ए में इतने ज़्यादा नंबर लाए हैं लेकिन पार्ट बी में बहुत कम है, मतलब उनका कट ऑफ निकल ही नहीं रहा है पार्ट बी में। तो इस बार इसीलिए कट ऑफ बहुत कम जाने के चांसेस हैं। जैसे आप देख सकते हैं मोहित जोशी 54 पार्ट ए पे लाया हुआ है लेकिन पार्ट बी में 25 है, जबकि उनको पार्ट बी में 26 एवा लाना था, यहाँ पे 25 है। और आपको सिमिलर वैसे और मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना शेयर किया, देख सकते हैं आपको। संदीप कुमार ने 63 पार्ट ए में कवर किया, पार्ट बी में 32 बेंगलोर से। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने अपना ये पार्ट ए 44 43 यहाँ पे एलपी के लिए। और यहाँ हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीसीएम वालों ने शेयर किया हुआ है बहुत सारे लोगों ने, आरआरबी इलाहाबाद से 50 27, आईटीआई बोला जा रहा है कि बहुत लोगों ने, ये देखिए यहाँ पे पार्ट ए में 37 और पार्ट बी में 70। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो पार्ट बी में क्वालिफाइड नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम जाएगा इस बार कट ऑफ बोला जा सकता है, क्वालिफाइंग मार्क्स भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पार्ट बी में 21 मार्क्स लेके आए हैं बीटेक स्टूडेंट ने, तो यहाँ बोल देख सकते हैं आप पार्ट बी में बहुत लोगों ने स्कोर में कम है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पे अपना स्कोर कार्ड शेयर करें, ताकि हम यहाँ पे फाइनल जोन वाइज रिज़ल्ट कट ऑफ शेयर कर सकें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें रिज़ल्ट देखने के लिए आगे, और कोशिश करें शेयर वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।